नमस्कार, एचएमटीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं एएल द्विवेदी। आइए आज बात करते हैं एक विशेष खबर की। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों से फिर से एक बार बात करने का मौका मिला है और खास तौर पे इसके लिए कि सरकार ने फेजेस में लॉकडाउन की ओपनिंग करी है, कुछ चीजें शुरू की हैं, बहुत सारी चीजें अभी भी बंद है। मैं आप लोगों से ये विनंती करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि ये कोविड-19 की परिस्थिति अभी भी कायम है। कोरोना वायरस से आपकी हमारी जद्दोजहद लड़ाई अभी भी चल रही है। सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं ताकि हम ग्रेजुअली स्लोली स्टडीली हम अपने आप को फिर से नॉर्मल कंडीशन में ला सकें, चीज़ों को शुरुआत कर सकें। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। पिछले 2-3 दिनों में मैंने देखा है कि लोग बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी फिक्र नहीं करते हुए, अपने साथियों की फिक्र नहीं करते हुए स्कूटर्स पे डबल सवारी, ट्रिपल सवारी, रिक्शा में 2-3 व्यक्ति, खुद की प्राइवेट गाड़ियों के अंदर 3-4-5-5 लोग, मार्केट्स में दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया जा रहा है, बस की लाइन के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ये सारी कठिनाई परेशानियां आपको फेस करनी पड़ रही है कि ये कोविड-19 चल रहा है, इसलिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि मुंबई और ठाणे में और पूरे देश में कोविड के रोज 10,000 केसेस बढ़ रहे हैं, डेली नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। आपके हमारे नजदीकी दोस्तों को, हमको, रिश्तेदारों को हम खो रहे हैं। पूरे मुल्क में हालात कोविड को लेकर के कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। हमको इससे जूझना है, इस कोरोना वायरस से लड़ना है, झूझना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने साथ में काम करने वाले लोगों की भी हिफाजत करनी है, अपने आप की सेफ्टी करनी है, अपने साथ वालों की सेफ्टी करनी है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके फिर से एक बार विनंती करूंगा और ये कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस अभी इस मुल्क से खत्म नहीं हुआ है, ये लंबा चलने वाला है। इस तरह का माहौल चीजें आपके हमारे सामने नजर आ रही है, अपनी सेफ्टी, अपना प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, घर पहुंच करके हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोना, परिवार के लोगों को बाद में मिलना, ये सारी चीजें जो सरकार बताते आई है, जो WHO के गाइडेंस है, ये आपको हमको करना होगा। हम आपसे विनंती करते हैं कि मेहरबानी करके खुद की सेफ्टी और अपने साथियों की सेफ्टी करें, तब ये जाकर के देश सेफ होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।